तो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं अब एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। दो तरह का टेलीस्कोप आपको बताए थे, रिफ्रैक्टिंग टाइप एंड रिफ्लेक्टिंग टाइप। रिफ्रैक्टिंग टाइप टेलीस्कोप में आता है सबसे पहला एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। टेलीस्कोप नाम से क्लियर है कि ऐसा इंस्ट्रूमेंट जो दूर के चीज को देखे, टेली मतलब दूर, और माइक्रोस्कोप जो छोटे चीज को देखे। अगर बहुत छोटा सा वस्तु है उसको देखना है तो माइक्रोस्कोप का यूज करते हैं, और अगर कोई ऑब्जेक्ट दूर में है, काफी डिस्टेंट है, तो उसके लिए टेलीस्कोप का यूज करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल, एस्ट्रोनॉमिकल मतलब हेवेनली बॉडीज, जैसे चंद्रमा को देखना है, सूरज को देखना है, किसी तारा को देखना है, तो उसमें हम लोग टेलीस्कोप का यूज करते हैं। या कोई दूर वस्तु रखा है एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी, तो उसको अगर देखना है तो हम लोग एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का यूज करते हैं। 12th में क्वेश्चन आता है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग, लिखिए एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का। तो कंस्ट्रक्शन में इसमें क्या होता है कि इसमें भी दो लेंस होता है। पहला ये लेंस है, इस पहला लेंस को ऑब्जेक्टिव कहा जाता है, ऑब्जेक्टिव जिसका फोकल लेंथ FO है। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका फोकल लेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसका एपर्चर ज्यादा होता है। इससे पहले आपको बताया था कि फोकल लेंथ रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा है का मतलब एपर्चर ज्यादा है। तो इस टेलीस्कोप का एपर्चर काफी ज्यादा होता है, और जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है, सपोज यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है या यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है, तो यहां से इंफिनिटी से जो रेज इस पर इंसिडेंट होगा वो कैसा रेज इंसिडेंट होगा? पैरेलल रेज। ये देखो पैरेलल रेज इस पर इंसिडेंट हो रहा है। हम लोग जब रे डायग्राम बनाते हैं तो केवल दो ही रे को दिखाते हैं, अभी फिलहाल हम इतना सारा रे दिखा दिए। आप किसी दो रे से रे डायग्राम ड्रॉ करिए, किसी भी दो रे को कंसीडर करिए। एक रे जो यहां से इंफिनिटी से आ रहा है, पोल से पास हुआ है, अनडेविएटेड, और दूसरा ये रे है, ये सपोज करो यहां आया रिफ्रैक्ट होने के बाद, ये यहां इंटरसेक्ट किया, ये इमेज होगा। अगर चूंकि एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट था तो उसका एक्सटेंडेड इमेज होगा। ऑब्जेक्ट अगर इधर है तो रेज ऐसे इंसिडेंट करेगा, इसका मतलब ऑब्जेक्ट कैसा है? एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट। तो उसका जो इमेज बनेगा वो एक्सटेंडेड इमेज बनेगा, और ये इसके फोकल प्लेन पर बनेगा। अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस पर रहता तो इमेज फोकस पर बनता, अगर ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर है एक्सटेंडेड तो इमेज फोकल प्लेन पर बनेगा। इमेज के रिस्पेक्ट में इसका साइज बहुत छोटा होगा। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक, ये कितने के बराबर होगा? FO, इसके फोकस पर इमेज बनेगा। सो दिस डिस्टेंस इज FO। ये जो पहला लेंस है उसका काम है कि इंफिनिटी पर जो ऑब्जेक्ट है उसका इमेज फोकस पर बनाना। और इसके बाद आ जाइए दूसरा लेंस, इसके आगे हम लोग एक और लेंस रखते हैं। इस लेंस को आईपीस कहते हैं क्योंकि इसके इधर आई होगा जो ऑब्जर्वर है, जो कि ऑब्जेक्ट को देख रहा होगा। अब इसका भी दो एडजस्टमेंट होता है, एक होता है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। इस एडजस्टमेंट का क्या मतलब कि फाइनल इमेज कहां पर बने? डी पर बने। ये जो लेंस है इसका फोकल लेंथ एफ ई, ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के अंदर, सपोज करो एफ ई ये है, ये डिस्टेंस एफ ई हो गया, और ये ऑब्जेक्ट जो है वो इसके फोकस के अंदर है, तो इमेज इधर ही बनेगा। रे डायग्राम कैसा होगा आगे? तो यहां से दो रे इंसिडेंट करते हैं, इसको आप पीछे प्रोड्यूस करिए, और यहां से जो रे बाहर निकलेगा उसको भी आप पीछे प्रोड्यूस करिए। ये दोनों रे, इसको आप पीछे प्रोड्यूस किए, यहां इंटरसेक्ट किया, ये फाइनल इमेज है आई आई डेस। ये जो फाइनल इमेज है वो यहां से कितने डिस्टेंस पर? डी डिस्टेंस पर। दिस डिस्टेंस इज डी।
तो इस एडजस्टमेंट को हम लोग क्या कहेंगे, लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। अब देखो ध्यान से, यहां पर भी दो ही लेंस है जैसे माइक्रो इसमें कंपाउंड माइक्रोस्कोप में होता है, लेकिन डिफरेंस है यहां पर जो पहला लेंस है उसका फोकल लेंथ ज्यादा है, उसका एपर्चर ज्यादा है, और इस वाले लेंस का फोकल लेंथ कम है, एपर्चर कम है। उसका कारण क्या है ये थोड़ी देर में समझते हैं। पहला लेंस पर पैरेलल रेज इंसिडेंट किया, वो इमेज फोकस पर बनाया, और दूसरा लेंस, दूसरा ये वाला जो लेंस है उसके लिए ऑब्जेक्ट है, तो दूसरा लेंस इस ऑब्जेक्ट को बड़ा करके आई को दिखाया, आई इधर है। पहला लेंस का काम है इंफिनिटी के ऑब्जेक्ट को फोकस पर बनाना, दूसरा लेंस का काम है आई को इसको बड़ा करके दिखाना। तो बड़ा करके कब दिखाएगा, जब ये जो है फोकस के अंदर हो तो उससे बड़ा करके दिखाएगा। अगर डी पर इसका इमेज बनता है तो इस एडजस्टमेंट को कहते हैं लिस्ट डिस्टेंस ऑफ लिटिंग विजन, क्योंकि आई को सबसे बड़ा कोई भी चीज कब दिखेगा, जब उसके लिए ऑब्जेक्ट डी पर होगा। आई के लिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट कहां बना है, डी पर बना है। अब सवाल उठता है कि ये तो इसका रे डायग्राम हुआ, अब उसके बाद इस एडजस्टमेंट में मैग्नीफाइंग पावर क्या होगा, मैग्नीफाइंग पावर एम थीटा। मैग्नीफाइंग पावर का डेफिनेशन देखो, इसके डेफिनेशन में और माइक्रोस्कोप के डेफिनेशन में थोड़ा फर्क हो जाता है। इसका डेफिनेशन है एंगल मेड बाय इमेज, एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई, ऑन आई। इमेज कितना एंगल बनाया है, ये इमेज है, ये आई पर कितना एंगल बनाया है, तो आई पर उतना ही एंगल बनाएगा जितना आई पीस पर बनाएगा, तो ये जो एंगल बना रहा है ये है बीटा डिवाइडेड बाय एंगल मेड बाय ऑब्जेक्ट ऑन आई। ऑब्जेक्ट कहां है, इंफिनिटी पर। ये ऑब्जेक्ट इस लेंस पर कितना एंगल बना रहा है, तो कहोगे सर ये एंगल अल्फा, इस पर जितना एंगल बनाएगा इस पर भी उतना ही एंगल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो रखा है वो इनफिनाइट डिस्टेंस पर रखा है। अब अगर सपोज करो ऑब्जेक्ट मून पर रखा है, तो मून से अगर कोई दो रे आता है अर्थ पर, एक यहां पर और एक यहां पर, तो उस दोनों रे को आप पैरेलल कहेंगे, क्योंकि इस दोनों के बीच का डिस्टेंस जो है वो उस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में बहुत कम है। इसके और इसके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, 10 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 1 मीटर, 2 मीटर। भाई अर्थ पर ये दो लेंस है जिसके बीच का डिस्टेंस का रेंज यही है, लेकिन ऑब्जेक्ट कहां रखा है, मून पर रखा है। तो मून से रेज यहां पर आए या मून से रेज यहां पर आए, उस दोनों को आप पैरेलल ही कहेंगे। तो इस पर जितना एंगल बनाएगा इस पर भी उतना ही एंगल बनाएगा, ऐसा आप कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोस्कोप के केस में ऐसा नहीं था, माइक्रोस्कोप में ऑब्जेक्ट जो है वो नजदीक रखा जाता है। तो यहां पर ये एंगल अगर अल्फा है, इस एंगल को भी अल्फा ही हम लोग कहेंगे, तो एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा बीटा बाय अल्फा। वहां पर डेफिनेशन था एंगल मेड बाय इमेज डिवाइडेड बाई एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट व्हेन बोथ प्लेस्ड एट लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन। यहां पर वो लास्ट वाला पॉइंट हट गया, यहां पर केवल है डेफिनेशन एंगल मेड बाई इमेज डिवाइडेड बाई एंगल मेड बाई ऑब्जेक्ट। अगर इमेज जो एंगल बनाता है वो ऑब्जेक्ट के एंगल से ज्यादा है तो वो बड़ा दिखेगा, इमेज जो एंगल बना रहा है वो बीटा है, ऑब्जेक्ट जो एंगल बना रहा है वो अल्फा है, तो बीटा बाई अल्फा ये एंगुलर मैग्निफिकेशन होगा या मैग्नीफाइंग पावर होगा, इसको मैग्नीफाइंग पावर कहें या एंगुलर मैग्निफिकेशन कहें। मैग्नीफाइंग पावर या एंगुलर मैग्निफिकेशन, एंगुलर मैग्निफिकेशन। अब इसका कैलकुलेशन हम लोग कर लेते हैं, एंगुलर मैग्निफिकेशन एम थीटा कितने के बराबर, एम थीटा का वैल्यू हो जाएगा बीटा बाय अल्फा इस ट्रायंगल से, ये बीटा कितने के बराबर इस वाले ट्रायंगल से,
तो बीटा होगा ये डिस्टेंस, इसको कहेंगे यूई, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस फॉर आईपीस। ये हाइट है, यहां से यहां तक सपोज करो एच है, तो टेन बीटा कितने के बराबर, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और ये चूंकि नीचे है इसलिए माइनस एच बाय माइनस यूई, ये नीचे है ये इधर है, तो टेन बीटा हो गया माइनस एच वाई माइनस यूई, और अल्फा की जगह टेन अल्फा, टेन अल्फा यहां से देखो दिस इज माइनस एच बाय प्लस एफ ओ, ये डिस्टेंस है एफ ओ। एंगुलर मैग्निफिकेशन कितने के बराबर, माइनस एफ ओ बाई यूई, माइनस एफ ओ बाई यूई, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हो गया। अब इस यूई का वैल्यू आप एफ ई के टर्म में लिख सकते हैं, इस वाले लेंस के लिए लेंस फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ वन। अब इसको आप क्या करिए, ये जो इक्वेशन है इसमें वन बाई वी के जगह कितना लिखें, इसके लिए वी कितना है माइनस वी, वन बाय यू ई कितना है माइनस यू ई, साइन कन्वेंशन रख दिए हैं इसका भी इसका भी, और एफ ई के जगह एफ ई क्योंकि वो तो प्लस ही होगा। अब आप क्या करिए इसको, इस पूरे को क्योंकि आपको निकालना है एफ ओ बाय यू ई, ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं वन बाय यू ई इज इक्वल टू वन बाय एफ ई प्लस वन बाय डी, और इसको एफ ओ से गुना कर दो, एफ ओ बाई यू इज इक्वल टू एफ ओ बाई एफ ई प्लस एफ ओ बाई डी, ये इतना हो गया। यहां से एफ ओ बाई एफ ई को बाहर ले लो, एफ ओ बाई एफ ई यहां हो जाएगा वन प्लस एफ ओ बाई एफ ई को बाहर लिए हैं तो एफ ई बाई डी, और इसके पहले माइनस लगा देंगे तो एम थीटा हो जाएगा, एम थीटा का वैल्यू कितना हो गया माइनस ऑफ दिस, मतलब माइनस एफ ओ बाई एफ ई वन प्लस एफ ई बाई डी, ये एंगुलर मैग्निफिकेशन हो जाएगा। तो यहां तक फॉर्मूला आपको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा वर्किंग में कि कैसे कैसे इसका मैग्निफिकेशन आता है। अब ये वाला फॉर्मूला आप या तो याद रखें, इसमें जनरली कंफ्यूजन होता है प्लस माइनस में कि सर इसमें साइन कन्वेंशन लिया हुआ है कि नहीं लिया हुआ है, अब इसको कैसे याद रखें। अरे भाई डेरिवेशन इसलिए तो करवाया जाता है, यहां पर आप साइन रख दिए थे, ये साइन कन्वेंशन रखा हुआ है, इसमें अब साइन नहीं रखना है, यहां पर भी आप इस तीनों का साइन रख दिए हैं तो इसमें साइन कन्वेंशन जो है वो रखा हुआ है, अब इसमें फिर से साइन नहीं रखना है, इसका केवल मैग्नीट्यूड लिखना है। तो ये और ये तो पॉजिटिव होता है तो कोई कंफ्यूजन है नहीं, ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव ये पॉजिटिव, ये डी पॉजिटिव लेना है, इसको माइनस डी नहीं कर देंगे। ये माइनस साइन क्या बता रहा है कि इनिशियल ऑब्जेक्ट ऊपर था फाइनल इमेज नीचे है, मतलब ये जो टेलीस्कोप है वो ऑब्जेक्ट को उल्टा करके दिखाएगा और उसका मैग्निफिकेशन इतना होगा। अब इस केस में अगर तुमसे पूछे कि ट्यूब लेंथ कितना है, ट्यूब लेंथ, ट्यूब लेंथ कितना होगा, तो कहोगे सर यहां से यहां तक है एफ ओ प्लस ये है यूई का मॉड, अब आप यूई का वैल्यू वहां रख दीजिए तो ये ट्यूब लेंथ हो गया। अब आप ध्यान से देखिए कि इसका मैग्निफिकेशन जो आप लिखे हैं, इस मैग्निफिकेशन का वैल्यू क्या होगा अगर नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए लिखे, ये तो है लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट रीजन एडजस्टमेंट का, दूसरा एडजस्टमेंट यहां पर लिख रहे हैं, यहां पर थोड़ा सा स्पेस है, लिख रहे हैं नॉर्मल एडजस्टमेंट, बोलिए नॉर्मल एडजस्टमेंट का क्या मतलब, कि ये वाला जो इमेज, पहला जो इमेज बनाया है वो दूसरे के फोकस पर हो जाए, आई जो है वो रिलैक्स्ड हो, तो रिलैक्स्ड कब होगा जब आई के लिए ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर होगा, और इंफिनिटी पर ऑब्जेक्ट कब होगा जब ये इसके फोकस पर बनेगा,
इसका मतलब यूई कितने के बराबर? एफई के बराबर। नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए यूई कितना हो जाएगा? एफई, मतलब ये लेंथ एफई के बराबर हो गया। तो बोलो मैग्निफिकेशन कितना हो जाएगा? ये मैग्निफिकेशन एम थीटा इज हाउ मच? माइनस एफओ बाय एफई। और ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा इस केस में? तो कहोगे एफओ प्लस एफई। ये फॉर्मूला हो गया नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए। अब सवाल है कि ये जो माइक्रो टेलीस्कोप है, कम दिस एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप, इसका मैग्निफिकेशन ज्यादा कब होगा? जब एफ ओ का वैल्यू ज्यादा हो और एफ ई का वैल्यू कम हो। वहां पर माइक्रोस्कोप में क्या होता था कि दोनों का फोकल लेंथ कम हो, यहां पर है कि इसका फोकल लेंथ ज्यादा होना चाहिए। ये देखिए ये ऊपर है और इसका फोकल लेंथ कम होना चाहिए, ये नीचे है। इसका मतलब कि ये जो लेंस है इसका एपर्चर ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि फोकल लेंथ रेडियस के प्रोपोर्शनल होता है। रेडियस ज्यादा होगा तो एपर्चर का ये रेडियस भी ज्यादा हो जाएगा। तो ये लेंस जो है वो बड़ा होना चाहिए और ये जो लेंस है वो छोटा होना चाहिए। इसलिए हम लोग इसको बड़ा रखते हैं और इसको छोटा रखते हैं। तो इसके बाद आप लिख लीजिए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ टेलीस्कोप। इस टेलीस्कोप का पहला कैरेक्टरिस्टिक है मैग्नीफाइंग पावर। कोई भी टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा कब होगा? नॉर्मल विजन, नॉर्मल एडजस्टमेंट के लिए मैग्नीफाइंग पावर ये है और लेस डिस्टेंस के लिए ये है। मैग्नीफाइंग पावर ज्यादा कब होगा? जब एफ ओ ज्यादा होगा और एफ ई कम होगा। तो इसको ज्यादा होना चाहिए, इसको कम होना चाहिए। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है रिजॉल्विंग पावर। रिजॉल्विंग पावर क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिटेल में जब वेव ऑप्टिक्स पढ़ेंगे तब, ये फ्रैक्शन जहां पर पढ़ेंगे वहां पर ये फॉर्मूला डेराइव करेंगे। रिजॉल्विंग पावर का मतलब अगर कोई दो ऑब्जेक्ट है तो वो अलग अलग आपको दिखे, आप उसको क्लियर रिजॉल्व कर ले, तो जो इंस्ट्रूमेंट ज्यादा रिजॉल्व बढ़िया करता है उसका हम लोग कहते हैं रिजोल्यूशन अच्छा है। जैसे जब आप फोटोग्राफ लेते हैं बढ़िया वाला कैमरा से, एचडी से, तो उसका रिजॉल्विंग पावर बढ़िया होता है, वो क्लियर दिखता है। और अगर बढ़िया कैमरा नहीं है तो उसका रिजॉल्विंग पावर अच्छा नहीं है। हम लोग ऐसा करते हैं, रिजॉल्विंग पावर का फॉर्मूला होता है डी बाय 1.22 लैम्डा। ये हम लोग आगे डेराइव करेंगे, अभी फिलहाल इसको आप याद रखिए। रिजॉल्विंग पावर होता है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस। ये जो ऑब्जेक्टिव लेंस है इसका डायमीटर, डायमीटर का मतलब इसका एपर्चर डायमीटर, ये एपर्चर रेडियस है, ये एपर्चर डायमीटर है, ये एपर्चर डायमीटर डी के बराबर। कर्वेचर रेडियस और एपर्चर रेडियस ये दोनों अलग अलग चीज होता है, पहले आपको समझाया है। तो ये डी है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव 1.22 लेमडा, लेमडा है इसका वेवलेंथ। तो लेमडा तो आप चेंज कर नहीं सकते भाई, किसी कोई ऑब्जेक्ट अगर इंफिनिटी पर रखा है तो उससे कौन सा वेवलेंथ आ रहा है वो तो ऑब्जेक्ट पर डिपेंड करता है। लेकिन यहां पर डी का वैल्यू आप इंक्रीज कर सकते हैं, जैसे जैसे इसका डायमीटर इंक्रीज करेंगे वैसे वैसे रिजॉल्विंग पावर बढ़ेगा। ये जो लेंस है इसका डायमीटर जो है वो मीटर, 2 या 3 मीटर होता है, 3 मीटर समझ लो, 3 मीटर का मतलब 10 फीट, 10 फीट इसका डायमीटर है, 5 फीट रेडियस है। तो 5 फीट रेडियस का अगर ये लेंस है तो काफी बड़ा लेंस होगा, तो ये बड़ा लेंस होता है, क्योंकि इसको बड़ा होने से मैग्निफाइंग पावर भी ज्यादा होता है, रिजॉल्विंग पावर भी ज्यादा होता है। एक और टर्म है जिसको कहते हैं लाइट गैदरिंग पावर। लाइट गैदरिंग पावर ये प्रोपोर्शनल होता है एपर्चर एरिया के। किसके प्रोपोर्शनल होता है? एपर्चर एरिया, दिस इज प्रोपोर्शनल टू एपर्चर एरिया। एपर्चर एरिया का मतलब ये एरिया, तो पाई डी स्क्वायर बाय 4, डी डायमीटर है एपर्चर का। तो लाइट गैदरिंग पावर भी ज्यादा कब होगा? जब डी का वैल्यू ज्यादा होगा। लाइट गैदरिंग पावर ज्यादा होने से इसका इंटेंसिटी ज्यादा होगा, जितना ज्यादा लाइट इस पर इंसिडेंट होगा उतना ही ज्यादा इस इमेज का इंटेंसिटी होगा। अब जब हम लोग
माइक्रोस्कोप करते पढ़ते थे तो वहां पर ऑब्जेक्ट को रखते थे और इंटेंसिटी बढ़ाने के लिए हम लोग एक एक्स्ट्रा सोर्स यहां रख देते थे, एक्स्ट्रा सोर्स। लेकिन इस केस में आप एक्स्ट्रा सोर्स नहीं रख सकते भाई। अगर मून पर कोई ऑब्जेक्ट है उसको देखना है तो क्या पहले मून पर जाकर के लाइट जलाएंगे और लाइट जला करके फिर धरती पर आकर के देखेंगे उसको? ऑब्जेक्ट जो है वो तो इन्फ्रारेड डिस्टेंस पर है, तो वहां पर जाकर के एक्स्ट्रा सोर्स रखना पॉसिबल नहीं है। आप इसका इंटेंसिटी बढ़िया कर सकते हैं कब? जब इस पर ज्यादा लाइट इस पर इंसिडेंट हो। तो लाइट गैदरिंग पावर भी डी स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, मतलब ये तीनों जो क्वांटिटी है वो डी के बढ़ने से बढ़ता है। इसलिए इस लेंस को आप जितना बड़ा बना सकते हैं, पॉसिबल है उतना बड़ा बने, लेकिन इस लेंस को बहुत बड़ा आप नहीं बना सकते। उसका कारण है क्योंकि जैसे जैसे आप इसको बड़ा बनाएंगे तो चूंकि लेंस है और लेंस का बीच वाला पोर्शन जो है वो थिक होता है, तो जैसे जैसे बड़ा बनाएंगे बीच वाला पोर्शन थिक होता जाएगा। अब इतना मोटा अगर ग्लास का कोई लेंस है बीच में तो धीरे धीरे वो कर्व होता जाएगा और एज पर जो है वो काफी पतला हो जाएगा। तो उसका वेट सोचो, ग्लास का वेट काफी होता है। इतना मोटा ग्लास 5 मीटर डायमीटर का या 4 मीटर डायमीटर का, ये तो काफी ज्यादा हो जाएगा, वो मैसिव इन वेट हो जाएगा। तो इसको बहुत बड़ा आप नहीं कर सकते क्योंकि वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो उतना वेट को होल्ड करने के लिए भी आपको एक बड़ा सा रिंग लगाना पड़ेगा, लोहा का रिंग। अब लोहा का रिंग अगर आप लगाते हैं उसको सपोर्ट करने के लिए तो उस लोहा के रिंग का भी वेट बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो इसका जो रेडियस है वो आप बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, इसमें रेस्ट्रिक्शन है। एक टर्म इसमें और आता है इसके कैरेक्टरिस्टिक में, वो टर्म है ब्राइटनेस रेशियो। एक और टर्म है कैरेक्टरिस्टिक है ब्राइटनेस रेशियो। इसका डेफिनेशन होता है लाइट गैदर्ड बाय टेलीस्कोप डिवाइडेड बाय लाइट गैदर्ड बाय अनएडेड आई। जैसे अगर कोई डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है और उसको आप बिना टेलीस्कोप के डायरेक्ट आंख से देख रहे हैं तो वो कितना लाइट गैदर किया। अब आई जो है उसका पुपिल का साइज, पुपिल जो होता है जो होल होता है जिसमें कि रे इंटर करता है, तो उस पुपिल का जो साइज है उतने ही साइज से रे इंटर करेगा, पूरे आई से तो रे इंटर करेगा नहीं। तो ये जो प्यूपिल है उसका डायमीटर सपोज करो कैपिटल डी है, कैपिटल डी है। अब अगर ये टेलीस्कोप नहीं होता तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को आप नेकेड आई से देखते, अनएडेड आई का मतलब नेकेड आई। तो अगर इसके इसको हम रख देते हैं तब जो लाइट गैदर करेगा वो इतने पार्ट में जो लाइट है वो सब गैदर होगा और उससे ये इमेज बनेगा और उससे ये इमेज बनेगा और आई के पास इस इमेज से सारा लाइट जाएगा। तो जितना इसका ज्यादा रेडियस होगा उतना ही ज्यादा इस पर लाइट गैदर होगा। तो इस पर लाइट गैदरिंग ऑफ टेलीस्कोप कितने के बराबर? पाई डी स्क्वायर बाय 4 और अनएडेड आई का पाई कैपिटल डी स्क्वायर बाय 4, मतलब डी बाय डी का होल स्क्वायर। कैपिटल डी है डायमीटर ऑफ प्यूपिल ऑफ आई एंड स्मॉल डी है डायमीटर ऑफ ऑब्जेक्टिव। तो लाइट गैदरिंग पावर जो है, ब्राइटनेस रेशियो जो है वो ज्यादा कम होगा जब इसका डायमीटर ज्यादा होगा। तो ये चार कैरेक्टरिस्टिक है और इस चारों कैरेक्टरिस्टिक के लिए इसका डायमीटर ज्यादा होना चाहिए, इसका डायमीटर कम होना चाहिए। अब उसके बाद इसका लिमिटेशन क्या है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसको भी जरा हम लोग देख लेते हैं। तो इसका तीन लिमिटेशन है, तीन ड्रॉबैक है। पहला है बल्की इन साइज, ये जो लेंस है इसका साइज काफी बड़ा होता है एंड मैसिव इन वेट, इसका वेट भी काफी ज्यादा होता है। इसको तो पहले डिस्कस कर दिए क्योंकि अगर 4 मीटर डायमीटर है तो बीच का जो थिकनेस है वो काफी ज्यादा होगा और थिकनेस अगर सपोज करो 5 इंच या 10 इंच भी अगर है तो 10 इंच थिक ग्लास का अगर एक प्लेट लें तो उसका वेट काफी ज्यादा होगा और उसको सपोर्ट करने के लिए जो रिंग हम लोग लेंगे वो भी काफी मैसिव होगा। तो इसका वेट जो है 2-3 टन के आसपास हो जाए। इसके बाद है स्फेरिकल एबरेशन। एबरेशन का मतलब डिफेक्ट होता है, स्फेरिकल डिफेक्ट। स्फेरिकल डिफेक्ट कहने का मतलब कि ये जो पहला लेंस आपको दिख रहा है, ये वाला लेंस, इस वाले लेंस का साइज चूंकि बहुत बड़ा है तो बहुत बड़ा साइज होने के कारण
सब जगह यहां से यहां तक या यहां से यहां तक या यहां से यहां तक, ये जो पूरा सरफेस है उसको परफेक्ट स्फेरिकल बनाना थोड़ा मुश्किल है, परफेक्ट स्फेरिकल बनाना मुश्किल है। यहां से यहां तक का रेडियस सपोज करो 5 मीटर है, यहां से यहां तक का रेडियस ऑफ कर्वेचर 5.01 हो सकता है, क्योंकि ये मैन मेड है तो उसमें थोड़ा डिफेक्ट हो ही सकता है। यहां से यहां तक का रेडियस सपोज करो 5.02 हो गया, अगर थोड़ा थोड़ा भी रेडियस सब जगह का चेंज किया तो ये जो ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पर रखा है उसका इमेज एक ही जगह फोकस पर नहीं बनेगा, वो यहां से लेकर के यहां तक बनेगा, क्योंकि इस पोर्शन का फोकस अलग हो जाएगा, इसका फोकस अलग हो जाएगा, इसका फोकस अलग हो जाएगा। फोकस जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर पर डिपेंड करता है। इस डिफेक्ट को स्फेरिकल डिफेक्ट कहते हैं, और स्फेरिकल डिफेक्ट ज्यादा होता है अगर साइज बड़ा है तो। अगर साइज छोटा है, बहुत छोटे साइज का अगर स्फीयर लें, इतने छोटे साइज का अगर स्फीयर लें तो इसमें बहुत ज्यादा वेरिएशन होने का चांस इतने पार्ट में कम है, लेकिन अगर हम बड़ा सा एक स्फीयर लें तो उसमें वेरिएशन होने का चांस ज्यादा है। अरे भाई ज्यादा न्यूमेरिकल सॉल्व करें तो उसमें ज्यादा गलती होने का चांस है, अगर एक भी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं करें तो एक भी गलती नहीं होगा। तो वही काम यहां पर भी है। और तीसरा है क्रोमेटिक डिफेक्ट। क्रोमेटिक डिफेक्ट का मतलब आपको समझाए थे कि अगर कोई व्हाइट लाइट किसी लेंस पर पड़ेगा तो वो 7 कलर में डिस्पर्स होगा, और 7 कलर में डिस्पर्स होकर के यहाँ जो इमेज है वो 7 कलर का बनेगा। उसको घटाने के लिए हम लोग क्या करते थे कि दो तरह का मटेरियल यूज करते थे। लेकिन अगर चूंकि इस लेंस का साइज बड़ा है, इसका थिकनेस ज्यादा है, तो उसमें क्रोमेटिक डिफेक्ट आप कितना भी कम करेंगे तो वो नेग्लिजिबल नहीं होगा, बिल्कुल जीरो नहीं होगा। लेकिन थिकनेस अगर बहुत कम है, टेंडिंग टू जीरो है, तो उसमें जो डेविएशन है वो भी बहुत कम होगा, क्योंकि डेविएशन जो है उसका वैल्यू फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है। तो सॉरी, उसका डिस्पर्सन जो है वो डिस्पर्सन उसमें कम होगा और इसमें डिस्पर्सन ज्यादा होगा, तो इसमें क्रोमेटिक डिफेक्ट भी हो सकता है। तो ये तीनों डिफेक्ट इसमें पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन अगर 12th में आता है कि कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप लिखिए, तो आप एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप का ये डायग्राम ड्रॉ कर देंगे और उसके बाद लिखेंगे कि इसमें जो है पहला लेंस होता है, दूसरा लेंस होता है, ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर रखा हुआ है, तो रेज पहले इस पर इंसिडेंट होता है, उसका इमेज इसके फोकल प्लेन पर बनता है, वो इसके फोकस के अंदर है इसलिए इमेज डी पर बनता है, इसको लेस डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट कहते हैं, उसमें मैग्निफिकेशन ये होता है। उसके बाद अगले आगे पॉइंट पे लिखेंगे कि जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगा तो उसको नॉर्मल एडजस्टमेंट कहते हैं, उसमें मैग्निफिकेशन ये होता है, ये होता है, यहाँ लिख देंगे। उसके बाद फिर उसका क्या कैरेक्टरिस्टिक है, 4 कैरेक्टरिस्टिक वो लिख देंगे और उसका लिमिटेशन क्या है लिख देंगे। 5-6 नंबर का सवाल है, इतना सफिशियंट है, मोर देन एनफ। अब सबसे बड़ा चीज है कि ये जो ऑब्जेक्ट है वो तो इन्फिनिटी पर रखा है और उसका जो इमेज यहां पर बन रहा है वो इन्वर्टेड बन रहा है। जिस ऑब्जेक्ट को आप मून पर या सन पर या किसी स्टार पर जाकर के नहीं देखे हैं तो वो ऑब्जेक्ट आपको जैसा दिख रहा है, अगर वो उसका इमेज उल्टा बन रहा है तो शुरू से ही आप उसको उल्टा देखें तो वो आप उसको जज नहीं कर पाएंगे। लेकिन इसी टेलीस्कोप से अगर कोई अर्थ पर जो एक बॉडी है, सपोज करो एक दूर पेड़ है, आम का पेड़, और उसको आप इस टेलीस्कोप से देखें तो आम का पेड़ ऐसे सीधा नहीं, वो उल्टा दिखेगा, क्योंकि उसको आप सीधा देख चुके हैं तो उसको उल्टा आप जज कर सकते हैं। लेकिन शुरू से ही आप सीधा नहीं देखते, आप केवल उसका एक ही इमेज उल्टा देखते तो हमेशा उल्टा ही दिखता है। जैसे हम लोग नेकेड आई से अगर किसी चीज को देखते हैं तो वास्तव में वो सीधा नहीं, वो उल्टा है, क्योंकि उसका रियल इमेज रेटिना पर बनता है। तो शुरू से ही आप वैसा देख रहे हो, इसे उल्टा को ही आप सीधा समझते हो, है ना जी। तो ये जो है, ये एस्ट्रोनॉमिकल बॉडी को अगर देखें तो वो उल्टा भी दिखे तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन टेरेस्ट्रियल बॉडी को अगर देखें और वो उल्टा दिखे तो आपको देखने में अच्छा नहीं लगेगा। जैसे प्लेग्राउंड है, उसमें क्रिकेट मैच चल रहा है, कोहली चौवा छक्का मार रहा है, और इस वाले टेलीस्कोप को लगा करके अगर आप देखते हैं तो ग्राउंड ऊपर दिखेगा और कोहली नीचे लटकता हुआ दिखेगा, वो दौड़ता हुआ दिखेगा, तो वो आपको अच्छा नहीं लगेगा।
तो इसमें हम लोग थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देते हैं और उस मॉडिफिकेशन का नाम होता है टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो अगला है टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप। तो टेरिस्ट्रियल टेलीस्कोप में होता क्या है कि पहला जो लेंस है उसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं, इसका फोकल लेंथ एफ ओ है जैसे वहां था, इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट है, पैरेलल रे इस पर इंसिडेंट किया, ये एंगल अल्फा है। इसके बाद हम लोग एक लेंस रख देते हैं जिसको इन्वर्टर लेंस कहते हैं। इस लेंस का केवल काम है कि पहला जो इमेज बना है उसको ये इन्वर्ट करते, उल्टा करते, साइज से नहीं रखे, साइज में कोई फर्क नहीं पड़े। इस लेंस का फोकल लेंथ सपोज करो एफ है। अब इस लेंस को हम इस तरह से रखते हैं जिससे कि ये इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो यहां से 2f डिस्टेंस पर हो। ये कितना हो? 2f पर। तो उसका इमेज कितने पर बनेगा? 2f पर बनेगा, सेम साइज का होगा। इसका रे डायग्राम देखो, यहां से एक रे ऐसे निकला, दूसरा रे ऐसे निकला, दोनों इंटरसेक्ट किया, ये इमेज बना। मतलब ये लेंस केवल इसको इन्वर्ट कर दिया। फिर ये जो लेंस है वो तो आईपीस जैसे पहले था, इसका फोकल लेंथ अगर एफ ई है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो इसके फोकस के अंदर रखते हैं। इसका फोकस इतना है तो ये ऑब्जेक्ट को उसके अंदर रखते हैं, सच दैट इमेज जो है वो डी पर बने। इससे इमेज कहां पर बने? डी पर बने। तो इस एडजस्टमेंट को कहेंगे लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन एडजस्टमेंट। अब इसका रे डायग्राम देखो, दो रे हम ऐसे करके दिखाए, इसको पीछे प्रोड्यूस किया, डी पर इमेज बना। अब इसका मैग्निफिकेशन कितना होगा लिस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन में? तो आंसर इतना ही होगा, केवल यहां पर प्लस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई मैग्निफिकेशन लिखोगे तो दिस इनटू दिस इनटू दिस, इसका और इसका काम तो बिल्कुल वैसा ही जैसा पहले था, केवल ये जो लेंस आ गया तो इस लेंस का मैग्निफिकेशन कितना है? -1। तो इसका मैग्निफिकेशन इनटू इसका मैग्निफिकेशन इनटू इसका मैग्निफिकेशन, इस तीनों को गुणा करेंगे तो -1 से इसमें मल्टीप्लाई हो जाए। उसी तरह से नॉर्मल एडजस्टमेंट अगर करें तो इसका मतलब ये फाइनल इमेज इंफिनिटी पर बनेगा, तो मैग्निफिकेशन इतना ही होगा लेकिन यहां पर प्लस हो जाएगा, यहां पर प्लस हो जाएगा। ट्यूब लेंथ में थोड़ा फर्क पड़ेगा, ट्यूब लेंथ ये एफ ओ है और इधर एफ ई होगा, और यहां से यहां तक 4f होगा, तो यहां 4f जोड़ना पड़ेगा। यहां पर भी ट्यूब लेंथ में फर्क पड़ेगा। इस केस में ट्यूब लेंथ कितना हो जाएगा? दिस इज एफ ओ प्लस ये 2f प्लस 2f 4f प्लस ये डिस्टेंस ue का मॉड। वहां पर होता था एफ ओ प्लस ue का मॉड, यहां पर होगा 4f, आप ऐड कर देंगे। तो इसमें और कोई फर्क नहीं है, केवल ये इसको इन्वर्ट करता है। अब इससे अगर आप टेरिस्ट्रियल बॉडी को देखते हैं, कोई क्रिकेट मैच देखते हैं, तो जैसा आपको ग्राउंड दिख रहा है वैसा ही आपको इससे दिखेगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट इस तरफ अगर है तो इमेज भी इधर ही बनता है, इसलिए इसको टेरिस्ट्रियल कहते हैं।